हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। सो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे टीचर और मेंटर जो कि खुद एक IITian है, कमल किशोर शर्मा सर। ही इज़ एन एलुमनाई ऑफ IIT कानपुर। ही इज़ ऑल्सो द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ रैंकस कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने AIR 2, AIR 3 एंड AIR 13 इन JEE एंड AIR 1 इन NEET दी है। टुडे वी हैव विथ अस कमल शर्मा सर। हेलो सर। हेलो। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस सर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्विकली स्टार्टिंग, सर मैं जानना चाहता हूँ कि कब आपने डिसाइड किया कि आप खुद की कोचिंग स्टार्ट करेंगे एंड JEE नीट स्टूडेंट्स को मेंटर करेंगे, एंड मतलब व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट। मतलब आप खुद भी एक IITian है, तो रेदर देन गोइंग इनटू अदर फील्ड्स आपने टीचर बनना क्यों ऑप्ट किया? अब मेरे ख्याल से जब मैं 11th 12th में कोचिंग करता था तो जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे अनीश श्रीवास्तव, वो IIT कानपुर से थे, सीनियर थे एक तरह से मेरे। तो उनको देख के पता नहीं, शायद वही इंस्पिरेशन था मेरे लिए। और कानपुर में एक अलग ही क्रेज था। मैं कानपुर से मैंने कोचिंग करी है, फिर IIT से किया था। तो उनको देख के मेरे ख्याल से मेरे अंदर आ गया कि मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है। अपनी कोचिंग को लूंगा ये तो बाद में डिसाइड हुआ, पर टीचिंग में जाना है ये उनको देख के मुझे ऐसा लगा। और फिर BTech के जस्ट बाद जॉब भी थी, PhD के लिए भी कॉल था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में था तो मैंने इधर स्टार्ट कर लिया IIT के बाद। अच्छा, तो सर मतलब हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग ही है कि आपने ये करा और हमें आपसे पढ़ने का मौका मिला। हाँ, पर मतलब ये है कि मेरा भी, मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं खुद को लकी मानता हूँ कि इस फील्ड में आ पाया, क्योंकि मैं सभी फ्रेंड्स को देखता हूँ आज के डेट में, तो मोस्ट सेटिस्फाइंग जो जॉब हो सकती है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, शायद ये बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं और हर साल कुछ आपको नया करने को मिलता रहता है। मतलब रिप्यूटेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर जिसको जो फील्ड पसंद है उसको उसमें अच्छा लगता होगा। जी 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 सर, बिल्कुल। तो सर कमिंग ऑन टू आर मेन JEE नीट, तो सर जब 10 से 11 का ट्रांजिशन होता है तो कोर्स स्ट्रक्चर में एंड खासकर फिजिक्स में काफी बड़ा चेंज आता है कि जैसे कई सारे नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स। और यदि शुरुआत में बच्चों को ये समझ नहीं आते तो उन्हें एक डर बनने लगता है, एंड इन JEE तो बच्चे आगे जाके मैथ्स में टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वो जो फियर है वो ओवरकम हो जाता है। बट स्पेशली नीट बच्चे शुरुआत से फिजिक्स से डरने लगते हैं और ये फियर आगे कंटिन्यू होता रहता है और ये बाद में उनके रिजल्ट्स में भी अफेक्ट करता है। तो सर इस चीज को कैसे टैकल किया जाए? सार्थक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 10th तक हम लोग कैसे पढ़ते हैं? हम लोग याद करते हैं चीजों को, याद करके भी स्कोर किया जा सकता है। और 11th में जैसे ही आते हैं, वैसे एक तो सिलेबस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाता है। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अलग अलग मोटी मोटी बुक्स आ जाती हैं, डरावनी बुक्स आ जाती हैं, और कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाता है। तो जो स्टूडेंट 11th की स्टार्टिंग संभाल लेते हैं, स्पेशली नीट के जो बच्चे फिजिक्स संभाल लेते हैं, और JEE वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में भी उतना ही इशू आता है। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इधर मैकेनिक्स आ गया, उधर मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज आ गई। तो इनको मतलब स्टार्टिंग के पोर्शन में स्टूडेंट को स्लो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करके जाना चाहिए। और 11th के स्टार्टिंग में ये कोशिश नहीं करें कि मुझे सब कुछ हाई फाई आ जाएगा, बस मुझे फंडामेंटल समझ में आ जाए। फिजिक्स में जैसे बात करूँ तो HC वर्मा सॉल्व होती है, तो स्टार्टिंग में सफिशियंट है। एक बार आप HC वर्मा सॉल्व करते करते किसी तरह से मैकेनिक्स वाला पोर्शन कवर कर लीजिए, फिर आप सेकेंड राउंड में या फिर जब आगे बढ़ते हैं तब अपना लेवल को और अपग्रेड कर सकते हो। और एक जो जैसे बोलते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, स्टार्टिंग में उस पर टाइम डिवोट करना चाहिए। या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन रहता है हमेशा ही कि कोचिंग स्टार्ट करने के पहले आप एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स खुद से ही घर पे करके आए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो सकता नहीं पढ़ पाए, पर थोड़ा सा सीरीज का एक्सपेंशन हो गया, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड के 10-12 फॉर्मूले ही आप याद करके आ जाओ, कुछ एरिया वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले याद करके आ जाओ। तो कुछ बेसिक अगर फाउंडेशन बच्चा बना के स्टार्ट करता है JEE या नीट की प्रिपरेशन, तो उसके लिए ठीक रहता है। जी सर, तो मतलब थोड़ा एक स्टार्टिंग अच्छा बच्चा ले धीरे आराम से तो वो काफी उसको फायदेमंद होगा आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में वही है, मतलब पेस स्लो रखे लेकिन फंडामेंटल सारे कवर करे, और एक मिनिमम बेस मैथ्स में बच्चे को बनाना ही पड़ेगा, भले वो नीट का हो कि JEE का हो। दूसरा, बच्चे कई बार लैग कर जाते हैं 11th में, कुछ चैप्टर्स उनके मिस हो जाते हैं, तो उस वक्त घबराना नहीं है। मतलब मैंने देखा है ऑलमोस्ट 20-30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई चैप्टर किसी न किसी वजह से मिस हो जाता है, और फिर उनकी रैंक पीछे होती चली जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता ही चला जाता है। तो
तो उस वक्त उनको रिक्वायरमेंट होती है अपने टीचर से जाके मिले, बातचीत करे, पूरी उसकी प्लानिंग कराए ढंग से, प्लानिंग करके उस टॉपिक को फिर से कैसे रिकवर किया जा सकता है, रिकवर करके फिर साथ में आए। और रिकवर भी अपने को हाई लेवल पे नहीं करना है, बेसिक्स बेसिक्स कवर करते चलो, फिर आराम से टाइम मिलता है, बीच में ऐसा गैप आता है, टाइम आता है जब बच्चा अपना लेवल अपग्रेड कर सकता है और चीजों को ठीक कर सकता है। पर फाउंडेशन अगर बिगड़ गया तो फिर इश्यू आ जाता है बच्चे को आगे जाके। जी जी सर। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 11th में कोई एक ऐसा टॉपिक जो सभी बच्चों को दिक्कत देता है तो आई थिंक वो मैकेनिक्स होगा, एंड आप तो सर मैकेनिक्स में एक्सपर्ट हैं, तो सर मैकेनिक्स में जनरली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एकदम से काफी यूज आ जाता है, एंड बच्चे कहीं ना कई बार उसे संभाल नहीं पाते हैं और कई सारे कंस्ट्रेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना रहते हैं एंड देन उन्हें अप्लाई करना रहता है। तो सर हाउ टू टैकल मैकेनिक्स सो दैट कि हम उसे आगे ढंग से अप्लाई कर सकें। देखो मैकेनिक्स में ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एलिमेंट्स लेना ये सब क्वेश्चन तो आते हैं, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स जो टॉपिक है वो अगर क्लैरिटी आ जाती है और उसमें भी टू डायमेंशन का मीनिंग क्या है, ये काइनेमेटिक्स में क्लियर होता है। तो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर ऐसे मान सकते हैं कि बेसिक बेसिक टॉपिक हो गया, अगर उसमें वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन आपको आ गया तो आगे के चैप्टर्स के फाउंडेशन फिर आपकी ठीक से बन सकती है। तो उसी लेवल पर बच्चे को टाइम देके इन चीजों को ठीक से वर्कआउट करना पड़ेगा। बाकी मैकेनिक्स तो ऐसा है कि जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना होता जाएगा और हर क्वेश्चन एक नए फॉर्मेट में आएगा, आप उसको एक फिक्स फॉर्मेट में रट के नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी कंसेप्ट लग सकता है। तो रियल लाइफ से रिलेट करके और प्रैक्टिकली चीजों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आने चाहिए कि भाई FBD बनता है तो कैसे बनता है, इक्वेशन कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमको क्लियर होने चाहिए, और ये ओवर द टाइम धीमे धीमे ही होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वेक्टर से इसकी स्टार्टिंग होती है, वहां पर लूज नहीं होना है, काइनेमेटिक्स बच्चे को बहुत ठीक से आनी चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट चीजें पिक कर सकता है। जी जी सर। एंड सर एक गलती जो मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे करते हैं कि वो एक ही लेवल के मटेरियल के अराउंड रोम करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि उन्होंने अपने कोचिंग का लेवल वन करा, देन वो HC वर्मा कर लेते हैं, देन वो DC पांडे का भी लेवल वन कर लेते हैं। तो सर इतना करने के बाद उनके किसी भी टॉपिक में अराउंड 200-300 क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड उन्हें एक सूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उन्होंने काफी काम कर लिया उस टॉपिक में, बट जब वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते तो जब उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही लेवल का काम करा। तो सर इस प्रॉब्लम से कैसे बचे बच्चे? ये बिल्कुल ठीक बात है, इसके लिए एक प्लानर बनाना चाहिए स्टूडेंट को कि भाई मुझे मॉड्यूल्स करने हैं, मॉड्यूल के बाद HC वर्मा ऑब्जेक्टिव 1-2 करने हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेट्स अ सब्जेक्टिव के करने हैं, उसके बाद मुझे कौन सी बुक करनी है वो टीचर से कंसल्ट करें, क्योंकि HC वर्मा आपने सॉल्व कर लिया तो DC पांडे का लेवल 1 ऑलमोस्ट वही आपका मैच कर जाएगा। तो उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर कुछ बुक स्टूडेंट करे या इरोडो के कुछ क्वेश्चंस करे 1-2-3-4 करे, या उसके बाद में जाए तो पाथफाइंडर जैसे एक बुक में सजेस्ट करता हूँ कुछ बच्चों को, उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 तक ही करे। तो एक सीक्वेंस एज पर द स्टूडेंट टीचर बना के देगा कि आपको इस ऑर्डर में ही सॉल्व करना है, आप DC पांडे भी सॉल्व करो, BM शर्मा भी सॉल्व करो, आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करो, मॉड्यूल भी सॉल्व करो, HC वर्मा भी सॉल्व करो, तो आपने बहुत सारी चीजें रिपीट कर ली है। और इन सबसे ऊपर मैं बच्चों को बोलता हूँ डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो भी चीज करो उसको 100% पूरा करो, क्योंकि आपको हर एक में 5-5 डाउट आएंगे तो आपको लगता है आपने 80-80 क्वेश्चन तो कर लिए, 5-5 तो डाउट है चल जाएगा, लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है वो आपको किसी भी बुक में नहीं आ रहा है और जो आ रहा है वो सभी बुक में आ रहा है। तो वो रिपीटेशन अवॉइड करने का तरीका टीचर से कंसल्ट करके आपका जो आपकी एट प्रेजेंट लेवल है उसके हिसाब से टीचर आपको गाइड करेगा, और एक सीक्वेंस में मटेरियल सॉल्व करना चाहिए कि 1 by 1 करके अप्रोच करनी चाहिए, ना कि अपने मन से रैंडमली बहुत सारे बुक्स करनी चाहिए। जी एंड सर आपने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का मेंशन किया, सो प्लीज आप आपकी 2-3 बुक्स के ऑथर्स हैं आप, तो उनके बारे में भी एक बार बच्चों को थोड़ा सार्थक ये मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि 1, 2, 3, 4 जो बुक है अब ये सिंगेज पब्लिकेशन जो है उन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है, और ये बुक आएगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, और अब ये वीडियो सॉल्यूशन तो मैं अकेला बना नहीं सकता हूँ, बुक तो मैंने लिखी लेकिन इसमें जो बहुत सारे टीचर्स हैं, जुबिन शाह सर हैं, सुनील शर्मा, दोनों ही कॉन्सिडेंटली IIT से हैं, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और दोनों ही अभी LN में मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो इनके साथ मिलके वीडियो सॉल्यूशंस की बुक निकाल रहा हूं मैं, और ये पूरी सीक्वेंस आएगी, केमिस्ट्री की मैथ्स की भी आएगी, तो JEE के लिए एक रिसोर्स आ रहा है, और नीट में भी सिंगेज के साथ में एक NCERT लाइन बाय लाइन NCERT को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस में, इस तरह का एक और बुक आ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है वो फुल रहे
अच्छी या हेल्पफुल रहेगी। सर बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा और काफी हेल्प भी होगी स्टूडेंट्स की। तो सर कई बार स्टूडेंट्स मटेरियल करते समय और क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक जो गड़बड़ ये करते हैं कि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, कि जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा देन उसका सॉल्यूशन देखा एंड विदाउट मतलब कंसेप्ट समझे बिना वो आगे बढ़ गए, मतलब क्वेश्चन स्पेसिफिक या क्वेश्चन सेंट्रिक ज्यादा हो गए रेदर देन फोकसिंग ऑन कंसेप्ट। तो सर इस चीज को वो कैसे अवॉइड करें ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना आए? इसमें एक तो जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर स्टूडेंट को थॉट देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भी थॉट दे ले। और क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसको दिमाग में रख ले, डाउट नहीं पूछे एकदम से। और उसको एक दिन दो दिन जब भी टाइम मिले, एक हल्का सा खाना खा रहे हैं उस वक्त भी सोच सकते हैं कि यार वो क्वेश्चन कर रहे थे, रोटेशन का फ्रिक्शन ऐसा लगना चाहिए था, क्या करेंगे। तो ऐसे करते करते उनको क्लैरिटी आती ही चली जाएगी, मतलब ज्यादा क्वेश्चन और फार्मूला बेस्ड होके करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बजाय किसी भी क्वेश्चन पूरी क्लैरिटी के साथ अगर हो जाता है क्वेश्चन, मतलब लेस इज मोर, कम करें और उसको अच्छे से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें टफ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टफ क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए हर एक टॉपिक में। सारे टफ क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा सजेस्टेबल नहीं रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे वाले क्रैक करने चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आती है। तो उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बच्चे को थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्लैरिटी आने लग जाएगी। जी सर। एंड सर जो इस साल का जे एडवांस और नीट का पेपर हुआ, तो ये इस बार काफी दो अलग डायरेक्शंस में पेपर हुए। नीट का पेपर काफी आसान आया लास्ट ईयर्स के मुकाबले, एंड जे का ऑन द अपोजिट साइड काफी टफ आया लास्ट ईयर्स के मुकाबले। तो सर आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ऐसे पेपर्स के लिए बच्चों को कैसी प्रिपरेशन रखनी चाहिए? जेई में तो ऑलमोस्ट पेपर ऐसा ही आएगा, मतलब ठीक है ये थोड़ा टफ आ गया, थोड़ा इजी आ जाएगा, लेकिन जेई में बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे। तो स्टूडेंट को प्रिपरेशन तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेगी। नीट में पेपर पूरा डाइवर्सिफाइड आता है, कभी थोड़ा सा टफ आ सकता है, वैसे टफ कभी नहीं आएगा पर थोड़ा सा टफ आ सकता है, अदरवाइज इजी पेपर ही आएगा। तो नीट में तो हर एक टॉपिक, हर एक कोना बच्चे को पढ़ के आना पड़ेगा, एनसीईआरटी से रीड करके आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी और उसके बाद पेपर उसको देना पड़ेगा, हाई स्कोरिंग पेपर ही रहेगा। जेई में जरूर बच्चा ऐसा कर सकता है कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पर अपना लेवल एक्सट्रीम हाई कर ले, कुछ टॉपिक्स पर अगर वो डाउन भी रहता है, कुछ कम भी आता है तब भी ज्यादा मैटर नहीं करता, चल जाता है। मैं इन जनरल स्टूडेंट के लिए बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं टॉप 50, 100, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बच्चे को आईआईटी में जाना है तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन उसका बहुत अच्छा होना जरूरी है, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका अच्छा होता है तब भी उसको हेल्प मिल जाती है। दूसरा आईआईटी में ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट को कि उसके तीनों सब्जेक्ट रिलेटिवली ठीक ही होने चाहिए, नहीं तो कई बार क्या बच्चे का स्कोर तो अच्छा आ जाता है लेकिन एक सब्जेक्ट में रह जाता है। इस बार जैसे मैथ्स का पेपर टफ आ गया, फिजिक्स का टफ आ गया, तो बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाता है, बाकी टोटल उसका सिलेक्शन के लायक भी हो जाता है, तो उससे भी बचने की रिक्वायरमेंट बच्चे को रहती है। तो कुछ चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही कुछ कुछ चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए कि उसका क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। उसके अलावा फिर आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पर, आपकी प्रिपरेशन है किस लेवल तक, आप टॉपिक्स आपने तैयार कर रखे हैं तो आप जेई फेस कर सकते हैं। पर आप सुपरफिशियल पढ़ाई से कम पढ़ के कम समझ में आके जेई आप कर पाएंगे ये मुश्किल जाता है। जी जी सर। तो सर अब थोड़ा मतलब एक माहौल को लाइटन अप करने के लिए एक रैपिड फायर राउंड हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो आर यू रेडी? मैं रेडी हूँ, पर इसमें किसी को बुरा नहीं मानना है, मेरा जो भी आंसर है मैं दिल से आंसर दूंगा, जो आएगा उस वक्त वही बोलूंगा, ध्यान रखना। जी सर। सर ठीक है। डीसी पांडे और बीएम शर्मा, इन दोनों को कंपेयर करें तो आजकल बीएम शर्मा, अदरवाइज तो 1, 2, 3, 4 ज्यादा अच्छी है। हाँ सर, आपको केके शर्मा नाम आ गया इसमें। जी सर। एंड सर मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? मैकेनिक्स इसलिए क्योंकि वो बेस बनाता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आप देखो मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट लगते ही हैं, और मैकेनिक्स आ गई मतलब आपको फिजिक्स आ गया एक तरह से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई विल गो विद मैकेनिक्स। एंड सर डिजिटल क्लासरूम टीचिंग या फिर ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग? ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग, लेकिन उसमें डिजिटल का इनपुट होना चाहिए, जैसे होमवर्क असाइनमेंट में डिजिटल फॉर्म में दे सकूं, कुछ पर्टिकुलर वीडियो मुझे देना है तो बच्चों को मैंने डिजिटली भेज दिया, लेकिन टीचिंग तो लाइव होनी चाहिए, सामने बच्चे स्टूडेंट दिखते हैं तो फिर उसका मजा ही अलग है। जी जी सर। एंड सर आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? ऑफ कोर्स आईआईटी कानपुर, 100 times आईआईटी कानपुर। एंड सर एक टफ वन, जेई या फिर नीट? दिस इज रियली टफ वन, दोनों, मतलब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। तो देखो जब
आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अभी हम लोग स्काइप पे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि यार ये इंजीनियर्स ने बनाया होगा, तो क्या सही चीज बनाई है। और बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा लगता है तो भगवान है, मतलब वो ही ठीक करते हैं। तो मतलब ठीक है, जिसका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जाना चाहिए इस पे। तो कई बार नीट का पलड़ थोड़ा भारी हो जाता है मेरे ख्याल से, तो मुझे ऐसा लगता है। जी सर, बिल्कुल। एंड सर, इसके अलावा आप क्या ऐसी 5 क्वालिटीज किसी भी एक एस्पिरेंट में देखते हैं जो नीट या जेई क्लियर करने के लिए होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बोलूंगा कि गोल सेटिंग, मतलब स्टूडेंट का एक ब्रॉडर सेंस में गोल होना चाहिए, और गोल रीडिफाइन करते रहे स्टूडेंट कि भाई अभी इसका गोल है कि एक बेसिक जेई मेंस में 98% %, 97% आ जाए, फिर वो 98% आ जाए, या जेई एडवांस में उसके रैंक आ जाए 20,000, फिर 15,000, फिर 10,000, मतलब उसको रिव्यू करता रहे, पर कंटिन्यूसली गोल की एक सेटिंग चलनी चाहिए स्टूडेंट के साथ। फिर हार्डवर्क होना चाहिए, मतलब हार्डवर्क बच्चा करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, तो कहीं ना कहीं उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। जी फिर थर्ड में बोलो तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, उसका फैमिली का प्लस स्टूडेंट का दोनों का मिला के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की एक नीड रहती रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मतलब हार्डवर्क के साथ ऐसा बोलूंगा परसिस्टेंट हार्डवर्क, कंटिन्यूस हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कंसिस्टेंसी जिसे अपन बोल सकते हैं वो एक पॉइंट इसके अंदर मेजर पॉइंट आ जाएगा। और ये ट्रेड तो नहीं बोलूंगा, पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो चीजें बोलूंगा। एक मैं बोलूंगा कि गाइडेंस बहुत ठीक होना चाहिए, गाइडेंस से मेरा तात्पर्य है कि जो भी टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर उसको पूरा फेथ करना है, फेथ करके वो जैसा बोलते हैं, जो गाइड करते हैं उसके हिसाब से काम करना है। उसमें भी मेंटरशिप दो तरह से होती है, एक सब्जेक्ट की होती है, एक जनरल होती है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आखिरी में किस्मत तो होनी चाहिए थोड़ी सी, नहीं तो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चे यार एक जैसे होते हैं, आखिरी के 25-30-40 हज़ार बच्चे जो होते हैं ना, वो सब अच्छे होते हैं। किसकी किस्मत चली, किसने 2 क्वेश्चन टिक कर दिए ज्यादा, किसने कम कर दिए, उसकी वजह से स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो फिर फाइनली भगवान के ऊपर है। बट जो हमारे हाथ में सर वो हार्डवर्क है, वो हमें सिंसियरली करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, तो सर मतलब काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू फॉर योर टाइम। और सर एक लास्ट मैसेज जो आप यार, स्टूडेंट्स को एक देना एक चाहेंगे? एक एक और बात बोलना चाहूंगा मैं कि जी जी आईआईटी में जी सेलेक्ट होने के लिए सार्थक जैसा तुम लोगों को बनने के लिए इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। तुम सोचो ये कितना इनोवेटिव है कि जेई खत्म हुआ और उसने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया और इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो जो कहीं ना कहीं कुछ होता है ना, कुछ 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 करने के जो एक अंदर कीड़ा चलता है जिसे बोलते हैं अपन, जिसे क्रिएटिव कीड़ा बोलते हैं, तो वो सब बच्चों के अंदर होना चाहिए। जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी, कुछ कुछ करते रहो, मतलब छोटी क्लास से ही, जैसे अगर ये वाला वीडियो अगर 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे देखे, तो उनके या उनके पेरेंट्स या उनके भाई लोगों के लिए बोलूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को कुछ कुछ कराते रहो। कोई सर्किट बना रहा है, कोई कुछ कोडिंग कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये डाइवर्सिफाइड अगर आप चीजें करते हो तो आईआईटी के लिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट बना सकते हो। मतलब वो एक दिमाग जिसे बोलते हैं ना, एकदम से हर डायरेक्शन में दौड़ता है, तो वो हेल्पफुल रहेगा। जी सर, ये तो सब आपसे सीखने को मिला है। एंड सर एक लास्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, क्योंकि पैंडेमिक के कारण सारे स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, एंड ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ दिक्कतें तो उन्हें आ ही रही है क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, तो क्या एक मैसेज जो आप उन्हें देना चाहोगे टू मेंटेन देयर मोटिवेशन? आप मतलब बच्चों इसको इस तरह से लो कि जब भी कुछ सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन में जो अडाप्ट कर लेते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो आप लोगों को सर्वाइव इसके साथ करना ही है और सबको करना है। और कोरोना के वैक्सीन भी आने में हो सकता है टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल कितना भी टाइम लग सकता है, तो हम सबको अडाप्ट होना है, इनोवेट करना है खुद को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने थॉट प्रोसेस को, और अपने जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको। तो अगर मान लो स्टार्टिंग से सब कुछ ऑनलाइन होता तो आपको फील ही नहीं आता ऑफलाइन जैसा, तो उसको उस वे पे लेके जाओ। अपना टारगेट सामने, अपना गोल है कि अपने को नीट क्लियर करना है, जेईई जाना है या एनआईटी जाना है या अच्छे कॉलेज में जाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है। तो जब गोल सामने होता है, मंजिल दिखती रहती है, तो रास्तों पे अपने आप अपन चलेंगे, भले उस पर कांटे आए कि घास आए कि पहाड़ आएंगे पर्वत आए, बस मंजिल सामने चलते चले जाओ, तो अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ठीक है, ये टाइम बींग है, समस्याएं हैं, पर सबके साथ एक जैसी है, सबके साथ एक ही जैसी सिचुएशन है, तो कुछ फर्क, पेपर है ये भी पार्ट ऑफ पेपर मान लो इसको, कि जेई या नीट के पेपर का एक पार्ट है कि तुम्हें इस तरह की सिचुएशन से होकर गुजरना है, तो हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ते हैं।
बाकी बात करते रहो, टीचर्स लोगों से, फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो बच्चे साथ सेलेक्ट हो गए हैं, उन लोगों से बात करते रहो, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता रहेगा। जी सर, सर थैंक यू सर वेरी मच आपके इस गाइडेंस और आपके इन टिप्स के लिए। एंड दिस वाज कमल शर्मा सर, एक एक और ऐसे टीचर जिनका एक्सपीरियंस हमारी एज से ज्यादा है। सो रियली थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए और बच्चों को चीजों के बारे में बताया। एंड दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड लिमिट्स, ताकि आपको एक इतने अमेजिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने को मिले। थैंक यू सर, थैंक यू।